क्या आप जानना चाहते हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं और इन्हें बनाने का करियर कैसा होता है? अगर हाँ तो ये वीडियो जरूर देखें। वेलकम टू अलोहोमोरास करियर शाला इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ एंड प्रोजेक्ट योगा। करियर शाला में आप मिलते हैं एक्सपर्ट से और जानते हैं अलग अलग करियर्स और स्किल्स के बारे में। आज हम जानेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में और हमारे साथ है सौम्या दीदी जो इसी फील्ड में काम करती है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। अगर आपके पास अभी डायरी और पेन नहीं है तो अभी पॉज करके लेके आएं। You have seen many websites. So I picked some of the most famous ones in India, Flipkart.com, Google.com, YouTube.com. आज तक का वेबसाइट है। ये वेबसाइट एक कुछ तरीके से दिखता है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है हर वेबसाइट का। तो वेब डेवलपर्स एक्चुअली बिल्ड दीज वेबसाइट्स एंड लॉन्च दीज वेबसाइट्स। तो जैसे तुम फ्लिपकार्ट पे जाओ तो तुम्हें पता है कि तुम्हें चीजें खरीदनी है, कोई बटन अगर सही जगह पे नहीं होता या तुम्हें मिलता ही नहीं तुम जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो फ्लिपकार्ट पे, देन दैट्स नॉट गुड वेबसाइट डिजाइन। तो वेब डेवलपर्स का ये भी काम है कि वेबसाइट को ऐसे डिजाइन करें कि इट्स यूजर फ्रेंडली, इट प्रोवाइड्स अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। वेब डेवलपमेंट में हम सिर्फ वेबसाइट्स देखते हैं जिसको फ्रंट एंड कहते हैं, और फ्रंट एंड के अलावा वेब डेवलपमेंट में बैक एंड भी होता है। तुम जब रेस्टोरेंट जाते हो, फ्रंट एंड है जो तुम मेन्यू देखते हो और जो तुम वेटर से बात करते हो, तुम्हारे लिए ये फ्रंट एंड है। और जो किचन में हो रहा है, जहाँ से वो सामान ला रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो बैक एंड है। तो वेबसाइट्स में भी तुम जो देखते हो वेबसाइट, वो फ्रंट एंड है। बैक एंड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं ये सब काम करने के लिए। तो वेब डेवलपमेंट में जनरली लोग वेब एप्स बनाते हैं। सौम्या, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप शेयर कर सकते हो हाउ योर जर्नी हैज बीन, आपने कैसे स्टार्ट किया, आपने क्या क्या सीखा? मेरा यह था कि मेरे को अपना करियर और अपना पाथ खुद से डिसाइड करना है। मेरे पास सारे आंसर्स नहीं थे, बट मेरे को ये पता था कि अभी ये पसंद आ रहा है तो ये करना है। अब बाद में 2 साल बाद अगर पसंद नहीं आया तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। हर स्टेप में प्रॉब्लम्स थे, जैसे IIT होने के बाद गुवाहाटी जाओ ऐसे बहुत बड़ी चीज थी। गुवाहाटी कैसे चले गए तुम, तो गुवाहाटी सेफ नहीं है। बैंगलोर में थी तब तो US में अप्लाई किया, तुम्हें तो US कैसे जा सकते हो, बट उनको बस ये कन्विंस करो कि तुम कुछ आगे ही बढ़ रहे हो, तुम अच्छी चीजें ही करने वाले हो आगे जाके। दी वेब डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप के करियर्स कौन से होंगे, क्या ये सिर्फ वेब डिजाइन करना या कुछ और भी होगा? वेब डेवलपमेंट में काफी सारे रोल्स आते हैं। तो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की बात की है। फ्रंट एंड इंजीनियर वो है जो वेबसाइट बनाता है, बैक एंड जो पीछे का पूरा एप्लीकेशन बनाता है। ये तीसरे टाइप के इंजीनियर फुल स्टैक इंजीनियर है। फुल स्टैक इंजीनियर वो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर स्टैक है, फ्रंट एंड बैक एंड के नीचे और डेटाबेस चीजें आती है, फुल स्टैक इंजीनियर तीनों चीजों पे काम करते हैं, इसलिए उनको फुल स्टैक बोलते हैं। ये भी बहुत एक हाई डिमांड करियर है बिकॉज तुम्हारे पास बहुत सारे स्किल सेट्स हैं। एंड चौथा ये है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। जो फिफ्थ वाला है वेब डेवलपमेंट में, मतलब इंजीनियरिंग रोल नहीं है ये डिजाइनर रोल है। अभी जैसे मैंने बताया कि डिजाइनर, बहुत सारे टीम्स में डिजाइनर्स होते हैं जो लेआउट बनाते हैं वेबसाइट्स का। वो वर्किंग वेबसाइट नहीं बनाते हैं, बट कौन सा बटन कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे बटन प्लेस करने से वेबसाइट पे ज्यादा लोग उसको क्लिक करेंगे, जिससे ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, वो सब चीजें UI डिजाइनर डिसाइड करता है। अब 30 सेकंड लेकर आप वेब डेवलपमेंट और उसके करियर्स के बारे में क्या नया जाने अपनी डायरी में लिखिए। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें क्या क्या स्किल्स हमें पता होना चाहिए या फिर हमें डेवलप करना चाहिए ताकि हम वेब डेवलपर बन सके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऐसे इंजीनियरिंग टाइप चीज के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि तुम बहुत सारे टाइम्स में तुम्हारे पास ऐसे एक प्रॉब्लम आएगा जिसका तुम्हें आंसर पता नहीं होगा, तुम्हें जाके पता करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
उसके अलावा जनरल प्रोग्रामिंग स्किल इज ऑल्सो नेसेसरी, HTML, CSS एंड JavaScript. चलिए HTML के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. वेब डेवलपमेंट के लिए HTML की जानकारी बहुत जरूरी है. HTML के कोड्स का इस्तेमाल करके ही बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं. चलिए Flipkart की वेबसाइट पर HTML के कुछ कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. हेड में टाइटल आता है. टाइटल का मतलब है वो जो पेज के ऊपर इस हिस्से में आता हो, जैसे कि इस पेज के टाइटल में मोबाइल फोन्स बाय मोबाइल्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइसेस इन इंडिया का टाइटल हम देख सकते हैं. पेज में हमें जो सब कुछ भी दिख रहा होता है उसे बॉडी कहते हैं. इस पेज में ऊपर मोबाइल फोन बिग बिलियन डेज हेडिंग है और उसके नीचे दिखने वाला टेक्स्ट पैराग्राफ है. फॉर्म इनपुट एक ऐसी जगह होती है जहां हम कुछ इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, जैसे कि यहां ऊपर का सर्च बॉक्स. लिंक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जहां पर क्लिक करके हम कहीं और पहुंच सकते हैं. हमें अलग अलग तरह के बटन्स भी दिखते हैं. बटन भी एक तरह का लिंक ही होता है पर बॉक्स की शेप में होता है, जैसे कि लॉगिन. दो तरह की लिस्ट हो सकती है, नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4 के साथ जिसको ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, या नंबर्स के बिना जैसे यहाँ दिख रही है इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं. इमेजेस या फोटोज को तो हम सब जानते ही हैं. यहाँ भी हम हर प्रोडक्ट के लिए एक एक इमेज देख सकते हैं. ब्लॉक वेब पेज के अलग अलग सेक्शंस को सेपरेट करता है. पार्टीशंस बनाने के लिए ब्लॉक बहुत जरूरी है. वेब पेज पर हमें कई अलग अलग तरह के कलर्स या रंग भी दिख रहे हैं, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर. नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन है सबके लिए. हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पेज में क्या क्या, हमने जो HTML एलिमेंट्स पहले देखा उसमें इस पेज पे क्या क्या है. तो ये पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा HTML एलिमेंट है और यहाँ पे आपके ऑप्शन है. I think it is list because इसमें available offers दे रखे हैं तो. That's correct. ये list है. तो जहाँ पे भी तुम्हें सिर्फ एक चीज के नीचे बहुत सारे options दिखेंगे वो generally list है. I think it's a form input. Yeah, that's correct. तो यहाँ पे एक नाम है, लेबल है एंड एक प्लेस है टू एंटर योर पिन कोड. ये एक फॉर्म इनपुट है. ये कौन सा HTML एलिमेंट है? इसमें दो सही आंसर्स हैं. बटन एंड लिंक. हाँ ये सही है, बटन भी है और लिंक भी है. तो बटन है ये तो दिख रहा है हमें, बट ये लिंक इसलिए है क्योंकि तुम इस पे क्लिक करोगे तो तुम कहीं और लेकर जाएगा. मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. और जानने के लिए आइए करते हैं घर का चैलेंज. तो द चैलेंज इज की एक एड्रेस बुक वेबसाइट बनाना. तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक एड्रेस बुक का वेबसाइट पेपर पे डिजाइन करो. अब डिजाइन करते करते ये सोचना कि क्या क्या फंक्शनैलिटी तुम्हें चाहिए होगा. एड्रेस बुक में तुम बंदे का नाम, उनका घर का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी अगर है, ये चार चीजें ऐड कर सकते हो. और भी अपने मर्जी से तुम चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे तुम फेस उनका एक फोटो डाल सकते हो. तो मैंने ये तीन चीजें डाले हैं. एक तो तुम्हें एड्रेस ऐड करना है, दूसरा एड्रेस अगर तुमने गलत लिख दिया है तो उसको वापस से एडिट करना है, एंड फिर एड्रेस डिलीट करना है. और क्या तुम सोच सकते हो, सोच के तुम पेपर पर डिजाइन कर सकते हो. HTML ट्यूटोरियल तुम जब करते हो उसके बाद तुम्हें ये सोचना है कि ये जो पेपर में तुमने ड्राइंग बनाया उसको तुम HTML में कैसे लिखोगे. तो दोस्तों आज हमने क्या क्या जाना. वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट्स बनाना, उन्हें लॉन्च करना और उन्हें एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन करना. ये दो तरह की हो सकती है, फ्रंट एंड और बैक एंड. इसमें हमने 5 तरह के करियर्स देखे. फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और UI/UX यानी यूजर इंटरफेस यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर. इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और जनरल प्रोग्रामिंग स्किल्स यानी HTML, CSS और JavaScript होने चाहिए. एड्रेस बुक वेबसाइट बनाने का चैलेंज जरूर कीजिए. ऑल द बेस्ट.